हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों तुहाडा स्वागत है। तां कल आपां वीडियो कोई नहीं की थी, उस तो पहला मैं क्यूब दी वीडियो दित्ती सी, जिस दे विच कि मैं बहुत वधिया धमाकेदार ट्रिक दसी दोस्तों। तुहानू जेकर वो नहीं देखी तां वीडियो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट विच पई होवेगी, अते मैं तुहानू उसका लिंक भी प्रोवाइड कर देवांगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच, तुसीं उसनू जरूर देखना। तुहाडे लई बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है वो, पार्ट वन एंड पार्ट टू है, जो कि बहुत ही ज्यादा तुहाडे लई इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, खास करके पंजाब पुलिस वाले लई, पीएस टेट वाले लई, अते अदर एग्जाम जिन्हें भी हन, कोई सेंटर का एग्जाम होवे, स्टेट का एग्जाम, सारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों चलते हैं आप, जो आज टॉपिक है वो है दोस्तों क्यूब रूट। ता जो क्यूब रूट है, ये तुहानू पता है कि जेकर क्यूब पता होगी तो क्यूब रूट उसका निकालना सानू सौखा होता है। देखो दोस्तों, हुण आपां ट्रिक की गल करते हैं। सब तो पहला तो ट्रिक ते आपां बाद च चलते हैं, पहला मैं तुहानू दस देवां कि क्यूब मैं तुहानू पहला करवाइया हन अते उसकी मैं तुहानू ट्रिक दसी है। कोई आपां फॉर्मूला की है, फॉर्मूला जो है वो तो आपां करना ही नहीं ना, तो दोस्तों विदाउट फॉर्मूला किस तरह करना है तो वो तुसी पार्ट वन एंड पार्ट टू दे विच देख लेना। तो देखो दोस्तों, उस दे विच मैं क्यूब करवाई सी, जेकर एक पहला होवे उसकी की ट्रिक होवेगी, एक बाद च होवे उसकी की ट्रिक होवेगी, जेकर दोनों अक्षर सेम होण उसकी की ट्रिक होवेगी, जेकर दोनों अक्षर वक्खो वक्खरे होण तां उहनां दी की ट्रिक होवेगी। तो दोस्तों यही सारा कुछ क्यूब दे विच हुंदा है, तां तुसी वो देख लेना पहलां वाली वीडियो दे विच। तो दोस्तों अज आपां गल करनी है क्यूब रूट की, क्योंकि क्यूब कर ली, तो क्यूब रूट करन तो पहला मैं तुहानू दस देवां कि जेकर वीडियो वधिया लगी तां इसनू लाइक करना, ते आपां चलदे हां ट्रिक ते। तां दोस्तों देखो, सब तो पहला तां मैं तुहानू कहा है कि एक तो लै के तुहानू 20 तक की है क्यूब याद होनिया जरूरी हन। मैं पहलां वाली वीडियो विच वी कहा ते अज वाली दे विच वी दस दिंदा हां, एक तो लैके 20 तक तुहानू ओरली क्यूब याद होनिया चाहीदियां हन, बहुत ही ज्यादा तुहाडे लई हेल्पफुल रहण वालियां हन जेकर ये याद हैं। एक तो लैके 10 तक तुहानू हुणे पता लग जाएगा। देखो दोस्तों, आपां ट्रिक बनाउणी है, जो सानू पता है एक दी क्यूब एक हुंदी है, दो दी क्यूब अठ हुंदी है, तीन दी क्यूब 27 हुंदी है, चार दी क्यूब 64 हुंदी है, पंज दी क्यूब 125 हुंदी है, छे दी क्यूब 216 हुंदी है, सत दी क्यूब 343 हुंदी है, अठ दी क्यूब 512, नौ दी क्यूब 729 ते 10 दी क्यूब 1000 हुंदी है, सानू सारिआं नू पता है। तां देखो दोस्तों, हुण करना की है, इस दे विच असीं जिस तरह स्केयर दे विच कीता है उस तरह क्यूब दे विच, इस तरह मल्टीप्लाई दे विच करांगे। असीं जूनिट डिजिट लैणा है, तां जूनिट डिजिट इत्थे देखो इकाई अंक है, जो उसनूं जूनिट डिजिट भी कह दिंदे आ, इकाई अंक लैणा है। तां एक दा जो इकाई अंक होवेगा वो हमेशा एक ही हुंदा है, क्योंकि एक दी क्यूब एक हुंदी है, क्योंकि इकला अंक है तां इकाई अंक है। दो दी क्यूब अठ हुंदी है, तां की है इकाई अंक की है, इसदा अठ है। तीन दी क्यूब 27 हुंदी है, इत्थे की हो गया दहाई अंक बन गया, बट असीं की लैणा है इकाई अंक। इसे तरह इसदा इकाई अंक, इसदा इकाई अंक, इसदा इकाई अंक, इसदा इकाई अंक, इसदा इकाई, इसदा इकाई एंड इसदा इकाई, तां ये की बन जाएगी साडी ट्रिक बन जाएगी। देखो दोस्तों, तां ट्रिक की है, हुण एक बराबर की आ जाएगा, एक आ जाएगा, दो बराबर अठ हो जाएगा, तीन बराबर की हो जाएगा सत, चार बराबर चार, पंज बराबर पंज, छे बराबर छे, सत बराबर की आ तीन, अठ बराबर दो, नौ बराबर नौ ते जीरो बराबर जीरो, मतलब कि 10 बराबर 10। तां इत्थे तुसी करना की है, इत्थे कुछ नहीं याद करना, याद किस नूं करना है, बस आह दो अक्षर याद करने हन कि क्यूब रूट कढ़न दे लई सानू दो बराबर अठ दा पता होना चाहिए। जेकर दो बराबर अठ है तां अठ बराबर दो होवेगी, इसे तरह तीन बराबर सत है तां सत बराबर तीन होवेगी। तां यही की है दो याद करन, बाकी कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि चार बराबर चार ही हुंदा है, तां इह तां तुहानू पता ही होवेगा दोस्तों। तां देखो हुण इत्थे क्यूब रूट है, तां 13 दी क्यूब सानू पता होनी चाहीदी है किन्नी हुंदी है, वो तुहानू मैं पहलां वालियां वीडियो दित्तियां हन, देख लैणा किस तरह कढवाई है उत्थे। तां देखो हुण 13 दी क्यूब 21 97 हुंदी है, 21 97 तों असीं क्यूब रूट कढणा है। क्यूब रूट जदों भी पाया होगा तां विच की है तीन पाया होगा, तां इह देख लैणा है, जेकर ना पाया होया तां उह स्केयर रूट होगा। तां देखो इत्थे की है, इत्थे क्यूब पाया होया है, तां क्यूब पाया होया है मतलब कि तीन है, तां असीं मगरले तीन अक्षरां नूं की कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। इत्थे भी की है, तीन अक्षरां नूं अंडरलाइन करना है, तिन्नां नूं अंडरलाइन करना है, तिन्नां नूं अंडरलाइन करना है, तां बाकी तां कुछ भी नहीं रहा दोस्तों। तां देखो ना इत्थे मगर की है, सत है, यूनिट डिजिट है, फिर गल यूनिट डिजिट दी आ गई, इकाई अंक दी आ गई। तां सत बराबर इत्थे मैं तुहानूं की दस्सिया है, जेकर तीन बराबर सत है तां सत बराबर तीन होवेगा, तां सत हैगा इत्थे, तां इत्थे की लिख लिया असीं, तीन लिख लिया,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਊ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਊਬ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦੀ ਕਿਊਬ ਤਾਂ 8 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਊਬ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ 13 × 13 × 13 ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 29 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। 3 ਦੀ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 27 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਦੀ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 64 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਓਨਲੀ 3 ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦੀ ਕਿਊਬ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 29 ਤੋਂ, ਤਾਂ 27 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਵਿਦ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ। 4 ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, 4 ਲਿਖ ਲਿਆ, 4 ਬਰਾਬਰ 4 ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 85। ਹੁਣ ਕਿਊਬ ਉਹ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦੀ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੁਕਮ ਚੁੱਕੀ 16 ਚੁੱਕੀ 64, 5 ਦੀ 125 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਛੋਟੀ ਕਿਊਬ ਲਿਖਾਂਗੇ, 4 ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, 7। ਇੱਥੇ ਕੀ 19 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਊਬ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ, 2 × 2 = 4 × 8 23 × 9 = 27, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।